पर्यटन के मामले में भारत को एक समृद्ध देश माना जाता है। बात सितंबर की करें तो इस माह में बारिश और मानसून का दबाव कम हो जाता है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ऐसे में इस माह में घूमने का अपना अलग ही मजा होता है। आइए हम आपको कुछ ऐसे खूबसूरत स्थलों के बारे में बताते हैं जो आपका मन मोह लेंगे। केरल का मुन्नार सितंबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में शामिल है। यह हिल स्टेशन पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। मुन्नार तीन पर्वतों की श्रृंखला मुथिरपुझा, नल्लकंठी और कुंडल के मिलन स्थल पर स्थित है। यह हिल स्टेशन चाय की खेती, छोटी नदियां, झरने और ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। चाय के बगीचे, वांडरला एम्यूजमेंट पार्क, कोची फोर्ट, गणपति मंदिर और हाउस बोट यहां के प्रमुख रोमांचकारी और दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। सितंबर के महीने में घूमने के लिए इस जगह को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी हसीन जगहों के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, तो आपको इस हिल स्टेशन पर जरूर घूमना चाहिए। शहर की चकाचौंध और शोर शराबे से दूर ये जगह बेहद शांत है। अगर आप ट्रेकिंग और हाइकिंग के शौकीन हैं तो चोपता आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ का चोपता तुंगनाथ ट्रैक, देवरिया ताल ट्रैक, चंद्रशिला पीक ट्रैक और बिसुरी ट्रैक काफी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का मसूरी सितंबर में घूमने के लिए अच्छी जगहों में शामिल है। अपनी खूबसूरती की वजह से मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ देश विदेश के पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ ऐसा चलन है कि लोग स्कूटी से घूमना पसंद करते हैं। अधिकतर पर्यटक यहाँ स्कूटी चलाते हुए दिख जाएंगे। यहाँ घूमने लायक जगहों में केम्प्टी फॉल, लाल टिम्बा, कंपनी गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट क्लाउड एंड मसूरी झील, झरी पानी वाटरफॉल प्रमुख हैं, जहाँ आप परिवार और दोस्तों के साथ यादगार पल बिता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का शिमला सितंबर में घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ चारों ओर फैला हिमालय पर्वत की चोटियों का सुंदर दृश्य आपका मन मोह लेगा। इस खूबसूरत हिल स्टेशन को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। पर्यटन यहाँ संग्रहालय, थिएटर और औपनिवेशिक लॉज से लेकर चर्च तक कई जगह घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक मॉल रोड और जाखू हिल स्टेशन देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित भेड़ाघाट सितंबर में घूमने का बेहतरीन स्थान है। जबलपुर के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे बसा भेड़ाघाट अपने आप में जबरदस्त प्राकृतिक सुंदरता समेटे हुए है। यहाँ आपको प्राकृतिक झरने, उपनती नदी और संगमरमर के पहाड़ एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। संगमरमर के पहाड़ों के बीच से होकर बहती नर्मदा नदी इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा देती है। बारिश के बाद सितंबर में नर्मदा नदी का बहता पानी बहुत ही अद्भुत अनुभव कराता है। यहाँ बैलेंसिंग रॉक, धुआंधार झरना, पहाड़ों के बीच नौका विहार और 64 योगिनी मंदिर घूमने की प्रमुख जगह हैं। सितंबर में आप पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग घूमने का प्लान बना सकते हैं। यकीन मानिए, ये अनोखा हिल स्टेशन आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इसे पूर्वी भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थल का दर्जा हासिल है। सितंबर में आपको इस हिल स्टेशन पर हरा भरा और मंत्रमुग्ध करने वाला नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ के बड़े बड़े चाय के बागान आपको बेहद पसंद आएंगे। कलिम्पोंग में आप लेपचा संग्रहालय, मेक फारलेन चर्च, डॉक्टर ग्राहम होम, देओल हिल, मोरन हाउस, सोंगा गुम्बा और डरपिन मठ को घूमने की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सितंबर में गुजरात के दमन दीव की यात्रा का प्लान बनाया जा सकता है। ये भारत के खूबसूरत द्वीपों में से एक है। यहाँ शांत समुद्र तटों से लेकर वास्तुशिल्प चमत्कारों तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। यहाँ आप समुद्र तट का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। दमन दीव में आपको गुजराती और पुर्तगाली संस्कृतियों की मिली जुली झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ आप INS खुकरी मेमोरियल, नैदा गुफाएं, दीव संग्रहालय, जंपा गेटवे, मोती दमन किला, पानी कोटा किला, प्रकाश स्तंभ, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ सी और गंगेश्वर मंदिर देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।